फ्रेंड्स, इस वीडियो में अपन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में देखेंगे। यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं सामान्यतः कि जो ब्लड होता है ना, वो अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट किस तरह से होता है। तो कुछ रुधिर वाहिनियों तथा मतलब वेन और शिराओं के द्वारा होता है, लेकिन किस तरीके से होता है एक डायग्राम के द्वारा यह समझाने की कोशिश की गई है। हेड और नेक होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा इसमें जुगलर वेन के द्वारा जो ब्लड होता है वो है ना जुगलर वेन के द्वारा जाता है। जुगलर वेन के द्वारा सुपीरियर वेना के वास्ते होता हुआ राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से यह लंग्स के है ना पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है, और लंग्स के द्वारा यह पल्मोनरी वेन के द्वारा पल्मोनरी वेन इसको है ना कहाँ ले जाती है। पल्मोनरी वेन जो है इसको सामान्यतः हिपेटिक आर्टरी में है ना, हिपेटिक आर्टरी के बाद में जो थे वो लिनियोगेस्टिक आर्टरी जिसको अपन एक और होते सुपीरियर मेसेंटरिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंटरिक आर्टरी है ना, सेगमेंटल लंबर आर्टरी इनके द्वारा ट्रंक में, और जो रीनल आर्टरी के द्वारा किडनीज में, जेनाइटल आर्टरीज के द्वारा गेनाइट्स में, और जो इलियक आर्टरी होती है उसके द्वारा पोस्टीरियर हाइंड या लिम्स वहाँ तक पहुँच जाता है। अब ये जो आर्टरीज होते हैं उन आर्टरीज के द्वारा यह लीवर गट्स ट्रंक्स किडनीज गेनाइट्स एंड पोस्टीरियर हिंड्स एंड लिम्स में जैसे जाता है वहाँ से अलग अलग तरह की वेन होती है जिन वेन से होता हुआ, जैसे पोस्टीरियर हाइंड लिम्स होती है वहाँ से इलियक वेन है ना, गेनाइट्स से जेनाइटल वेन, किडनीज से वही सेगमेंटल लंबर वेन्स, और ट्रंक से सॉरी किडनी से रेनल वेन, ट्रंक से सेगमेंटल लंबर वेन, इन सभी के द्वारा होता हुआ यह इन्फीरियर वेना केवा तक पहुंचता है। इन्फीरियर वेना केवा से वापस यह होता हुआ पूर्णतः सुपीरियर वेना केवा के द्वारा इसके अंदर एंटर कर जाता है, और इसी तरह से जैसे जैसे ये एंटर करता है उसके बाद में पूरी पहले वाली है ना, ये यहाँ से देखो ये जैसे इसमें एंटर करता है वो पहले वाली पूरी प्रोसेस होती है, और फिर जो यहाँ से डोर्सल ओटा के द्वारा यहाँ से जो ब्लड होता है वो वापस सब क्लेवियन आर्टरी के द्वारा फोलिम्स में जाता है, और फिर कैरोटिड आर्टरी के द्वारा हेड और नेक तक सप्लाई किया जाता है। इस तरह से जब अपना बॉडी का सर्कुलेशन होता है वो कंप्लीट होता है, और ब्लड की ये इस तरह की जो सप्लाई होती है उसको अपन बोलते हैं वासा वेरोसम। क्या बोलते हैं? वासा वेरोसम, ठीक है।